कर पड़ता है मशीन द्वारा। और फिलहाल यहाँ जो मशीन लगी हुई है अभी फ़िलहाल एक भी ट्रक है नहीं। और अभी जो फ्लाईओवर ब्रिज के थोड़े और करीब आ चुके हैं तो यहाँ से कुछ देख सकते हो, यहाँ से भाई देख सकते हो, ज़्यादा करीब जाना यहाँ पर मना है। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर रोड किस प्रकार पड़ रहा है। तो देख सकते हो भाई जो पीले कलर के ट्रक हैं वो मिट्टी पे चल रहे हैं। और जो भाई वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एक वीडियो और गंगा एक्सप्रेस रोड की। मैं खड़ा हूँ अपने ही ज़िले बदायूं में, और बाकी की जो रोड निकल के जा रहा है गंगा एक्सप्रेस भी वो 12 ज़िलों से लेकर के जा रहा है। तो मैं भाई कुछ ज़िलों के नाम बता देता हूँ। इधर भाई पड़ेगा यहाँ से मेरे पीछे शाहजहानपुर, शाहजहानपुर से पीछे है उन्नाव, उन्नाव से हरदोई और रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, और इधर भाई संभल है, और उससे आगे के लिए भाई मेरठ है, मेरठ से भाई और बाकी के कुछ ज़िले और हैं। बाकी की वीडियो में अंत तक बने रहना, जानकारी मिलेगी फुल। और मैं बता देता हूँ भाई इस रोड की जो लागत है वो है 40,000 करोड़ रुपये। ये रोड 40,000 करोड़ रुपये में बन के तैयार होगा, और 10,000 करोड़ रुपये की इसकी जो है भूमि ली गई है, इसमें रोड बनाया जा रहा है। और जो 30,000 करोड़ रुपये भाई वो इसकी लागत में लगाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी खर्चा होने वाला है इस रोड में। तो बाकी की हम वीडियो करते हैं बैक कैमरे शुरू, तब तक के लिए अंत तक बने रहना वीडियो में, और लाइक कर देना हमारी वीडियो के लिए, और एक चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, और जानकारी मिलेगी आपके लिए फुल। रोड किस प्रकार पड़ता है मशीन द्वारा। और फिलहाल यहाँ जो मशीन लगी हुई है अभी फ़िलहाल एक भी ट्रक है नहीं। और अभी जो काम चलेगा इसका, जो मशीन का रोड डालने का, ये लास्ट लेयर नहीं है, इसके ऊपर लास्ट लेयर बाद में पड़ेगी जो कोलतर वाली होती है। और अभी ये ट्रक लग रहा है वापस में आके, तो भाई बैक होके लग जाएगा और बाकी काम ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसका वो लगभग मशीन एक ट्रक 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर देती है, पूरा का पूरा ट्रक 5 से 6 मिनट लगते भी ना होंगे, और कम में ही खाली कर देती होगी। भले ही इसका जो कार्य है वो मशीन है वो लाखों रुपए की है, लगभग 30-40-50 लाख रुपए की मशीन होगी, क्योंकि हर काम इसमें प्रेशर वाला है, हाइड्रोलिक है, और काफ़ी महंगी मशीन है। और अभी ये ट्रक उचका दिया जाएगा, बाकी की इसी प्रकार रोड पड़ता रहता है। इसके आगे बॉलर लगे हुए होते हैं जो कि टायरों को आगे बढ़ाते रहता है, अपने आप ही मशीन बढ़ाती है। और इसमें जो गलारी टाइप की दिखाई दे रही है वही चलती है। और इस साइड से जो मशीन खड़ी है, तो अभी कोई ट्रक है नहीं फ़िलहाल में, जब ट्रक आ जाएगा तो लग जाएगा इससे आगे। और अभी फ़िलहाल सामने की तरफ जो मशीन खड़ी है वो हैगल कंपनी की है, और आगे की तरफ जो देखोगे भाई वहाँ पर ट्रक आ रहा है वहाँ से होकर के, तो वो ट्रक आगे के आके इसके बैक साइड से लगेगा, फिर भाई काम शुरू हो जाएगा इसका। और काफ़ी लंबा चालान होने के कारण भाई ट्रक आ नहीं पाते हैं, देरी से आते हैं कुछ। और यह रोडर खड़ा है, यह रोडर भी सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ से जो आगे दिखाई दे रहे हैं ट्रक, तो आगे की तरफ यहाँ पड़ रहा है रोड, देख सकते हो कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, और रोड डालने वाली 2 मशीनें भी हैं, और यहाँ जो है 4 ट्रक हैं, एक नीचे उतर गया है, और अभी फ़िलहाल 2 इस लाइन पे खड़े हैं और एक और वापसी की तरफ जा रहा है। और मैं खड़ा हूँ, 2 VIP लाइनों की बात कर रहा हूँ, इन पर काफ़ी काम हो चुका है, वहाँ पर रोड पड़ने के लिए रह गया, तो वहाँ पर ही पड़ रहा है रोड। अभी देख सकते हो भाई ट्रकों की आवाज़ आ रही होगी आपके लिए, फ़िलहाल जो काम है वो काफ़ी गति पर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रोड का काम कर रही है वो है हाइगल कंपनी, हाइगल इंडस्ट्री ने भाई, और इस ट्रकों पर हर कोई सी मशीन पर लिखा हुआ है हाइगल। और बाकी की जो भाई काम है काफ़ी गति पर है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा भाई मशीनें खड़ी हुई हैं, जैसे कि ग्रेडर भी है और टैंकर भी है पानी का, और इधर साइड से भाई मिट्टी भी चल रही है यहाँ पर, मतलब काम अच्छी खासी गति पकड़ रहा है अपनी। और अभी देख सकते हो एक ट्रक जो है फंस चुका है भाई, जब खाली पर ये वजन ज़्यादा नहीं लगाते हैं, और जो भरे हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं ये।
यहाँ से भाई देख सकते हो ज़्यादा करीब जाना यहाँ पर मना है, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर रोड किस प्रकार पड़ रहा है। तो अभी ये ट्रक आ चुका है और उतार के माल, अब ये वाला ट्रक जाएगा। इस पर दिखाई दे रहा है भाई हाइगल कंपनी, और हर ट्रक पे और हर गाड़ी पे भाई लिखा होता है कंपनी का नाम। बाकी की जो है भाई यहाँ पर काम थोड़ी गति पर ही है, और इधर साइड से जो है रोड एकदम कम्प्लीट हो चुका है, दोनों लाइनें लाइनें VIP वाली देख सकते हो। ये वाला जो है ट्रक नंबर पर लगेगा, और बाकी की वो वाला ट्रक तो उतर गया है, और ये वाली जो गाड़ी होती है वो होती है सर्विस की, और ये जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी रिपेयरिंग होती रहती है, उस पर भाई सियाल और ग्रीस जाता है इसमें मशीनों द्वारा भर भर के। और यहाँ पर जो है काम भाई इंजीनियर, कई इंजीनियर हैं भाई, इनकी जो नीली जैकेट होती है वो बड़े इंजीनियर होते हैं, और भाई कई तरह की इनकी जैकेट होती हैं, तो इनका भाई एक प्रूफ होता है। और यहाँ से जो रोड का काम है वो कार्य कम्प्लीट हो चुका है, तो देख सकते हो भाई अभी अभी तो ये ग्रेडर एक तार कर रहा है इसको, जो माल आ रहा है, और बाकी वो मशीन खड़ी है बोयकल कंपनी की, मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये वाली जो मशीन है इसी के द्वारा रोड पड़ता है, और ये वाले जो ट्रक है जो खाली होके गया है इधर भाई प्लांट है इसका, जो माल आता है तो वहीं से होकर के आते हैं सारे के सारे ट्रक होकर के। अब ये वाला जो ट्रक है अपना माल उतार के यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर भाई एक अंडरपास बना हुआ है, उस अंडरपास की वजह से थोड़ी थोड़ी जगह रह गई थी, उसी का काम चल रहा है यहाँ रोड का, मतलब कि 500 मीटर के लगभग जगह रह गई थी वही काम चल रहा है। देख सकते हो भाई इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ऊंचाई तक तक उठ जाता है, और जो पीछे से भाई जो ग्रेडर है वो एक तार कर रहा है जगह, मशीन घड़ी है तो भाई जल्दी यहाँ पर रोड पड़ेगा, मतलब जो मशीन लगे अब पीछे से ग्रेडर एक तार कर देगा, बाकी की मशीन लगने वाली है और फिर रोड पड़ने ही वाला है यहाँ का। मैं दिखा देता हूँ, और तब तक के लिए जानकारी आने बिल्कुल बने रहना अंत तक वीडियो में। देख सकते हो भाई जो पीले कलर के ट्रक हैं वो मिट्टी पे चल रहे हैं, और जो भाई नीले कलर के ट्रक हैं वो इस पे जो रोड पे काम चल रहा है उस पे हैं, और बाकी के जो ग्रेडर है वो यहाँ पर काम कर रहा है, और इधर साइड से जो लाइनें हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हैं। मैं दिखा देता हूँ वहाँ तक चल के, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ये वाली जो VIP लाइनें हैं वो कम्प्लीट हैं, और इनकी साइड की नालियाँ भी बन चुकी हैं। यहाँ पर 3 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक नीचे वाली देख सकते हो, और मैं चल रहा हूँ ये वाली और वो वाली। हम भाइयों आ चुके हैं, फ्लाईओवर ब्रिज बनना है वहाँ पर, और ये फ्लाईओवर ब्रिज जो काफ़ी लंबा बन रहा है भाई, और यहाँ से जो रोड क्लोज्ड का भाई बोर्ड भी लगा दिया है, क्योंकि आगे के लिए बहुत ज़्यादा गहराई होने वाली है, क्यों अभी काम चल रहा है नीचे की तरफ, और बाकी की इसके लेवल ही बनना है रोड तो। और जो फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य है वो काफ़ी गति पर है, यहाँ पर कई मशीनें भाई काम कर रही हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि भाई ग्रेडर हो गया, बड़ी JCB हो गई, और यहाँ क्रेन मशीन का भी काम चलता है, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े साइज़ की सीमेंट की बनी हुई प्लेट टाइप की हैं वो भी उठाई जाती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और यहाँ का जो कार्य है वो काफ़ी गति पर भी है। और यहाँ जो रोड है वो देख सकते हो भाई, फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य इतना कुछ हो चुका है, नीचे जो है लाइनें कंप्लीट हो रही हैं, पहले बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में थी और नीचे के से पक्की करके लाई जा रही हैं। और इधर साइड से मैं व्यू दिखा देता हूँ, इधर साइड का जो लाइनें निकल के जाएंगी यहाँ से, तो काफ़ी इतना कुछ चौड़ा रोड है ये, यहाँ लिखा हुआ है चौक से 550, और यहाँ से भाई रोड बंद है, रोड क्लोज्ड, और यहाँ से आगे के लिए भाई जो है टीन की वो लगा दिए पत्ती, क्योंकि भाई आगे कोई जा ना पाए इससे आगे के लिए। और मैं थोड़ा यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ कि आगे क्या क्या काम चल रहा है, देख सकते हो भाई यहाँ ग्रेडर और रोडर और एक देख इधर ट्रक और बाकी की कई ऐसे वाहन खड़े हुए हैं।
और बाकी के हम दिखा देते हैं और अन्य जानकारी वीडियो में। तब तक के लिए अंत तक बने रहना वीडियो में। और यहाँ मिट्टी पड़ रही है अभी फ़िलहाल में,